नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर है एक नई वैकेंसी के साथ और इस वीडियो में उस वैकेंसी से संबंधित संपूर्ण डिटेल से बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर इस नोटिफिकेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप या इसकी ऑफिशियल साइट से प्राप्त कर सकते हैं। सभी की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ये वैकेंसी निकली है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला मुंगेली छत्तीसगढ़ के द्वारा, और इसमें आपको फॉर्म डाउनलोड करके उसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटेस्टेड करके उनकी एक स्कैन कॉपी ले लीजिए और एक पीडीएफ बनाकर इस ईमेल आईडी पर 5/9/2020 को रात्रि 12 बजे से पहले सेंड कर देनी। इसका जो अप्लीकेशन फॉर्मेट है वो आगे आपको वीडियो में दिखाने वाले हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी है और आगे भी इसको बढ़ाया जा सकता है। इसमें अगर पोस्टों की बात की जाए तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट की एक पोस्ट है, स्टाफ नर्स की टोटल यहाँ पर 36 पोस्टें हैं और इसके लिए बीएससी नर्सिंग या फिर जीएनएम कोर्स कर रखा है और साथ में छत्तीसगढ़ नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो अप्लाई कर सकते हैं। 16,500 रुपये पर मंथ पेमेंट मिलने वाली है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन की तो 14,000 रुपये पर मंथ पेमेंट, डीएमएलटी या बीएमएलटी का कोर्स किया हुआ होना चाहिए, साथ में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल में। टोटल 6 पोस्ट हैं। लैब अटेंडेंट की बात की जाए तो 12,000 रुपये पर मंथ पेमेंट, इसके लिए विज्ञान, रसायन एवं भौतिकी, बायोलॉजी केमिस्ट्री लेकर हायर सेकेंडरी यानी 12वीं पास की हुई होनी चाहिए और टोटल 1 पोस्ट है। उसके बाद आती है स्वच्छा कर्मी की, टोटल 8,800 पर मंथ पेमेंट मिलेगी, 8वीं पास होनी चाहिए और टोटल 6 पोस्ट है। इस प्रकार यहाँ पर टोटल 50 पोस्ट होने वाली हैं। इसकी नियम एवं शर्तों की बात की जाए तो ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की वैकेंसी और कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 माह तक रहने वाला है, लेकिन इसको बढ़ाया भी जा सकता है। आवेदन पत्र के साथ आपको क्या संलग्न करना पड़ेगा? पद क्रमांक 1 से लेकर 4 के लिए 10वीं एवं 12वीं की अंकसूची साथ में लगानी पड़ेगी। पद क्रमांक 5 के लिए 8वीं की अंकसूची चाहिए होगी। स्टाफ नर्स के लिए बीएससी नर्सिंग या जीएनएम उत्तीर्ण से संबंधित अंकसूची चाहिए होगी। डीएमएलटी, बीएमएलटी, पैरामेडिकल कोर्स पास्ट इन पैथोलॉजी उत्तीर्ण से संबंधित अंक सूची चाहिए होगी। संबंधित काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र चाहिए होगा। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा। रोजगार पंजीयन का जीवित प्रमाण पत्र चाहिए होगा और विकलांगता प्रमाण पत्र भी यहाँ पर चाहिए होगा। इसके अलावा शासकीय अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत कोई भी उम्मीदवार है तो वहाँ से एनओसी सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। जो पात्र उम्मीदवार हैं उनके चयन हेतु लिखित परीक्षा लिए जाएंगे जो 20 अंक की होगी। लिखित परीक्षा की तिथि से संबंधित जो भी जानकारी होगी इसकी ऑफिशियल साइट पर विद्यार्थियों को उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके बाद ये अन्य देख सकते हैं और इसमें शैक्षणिक योग्यता का प्रतिशत कितना रहने वाला है और इसमें लिखित परीक्षा 20 अंक की होगी और अनुभव के 10 या 15 अंक मिलेंगे। इस प्रकार टोटल 100 अंक होंगे और इन्हीं के आधार पर मेरिट बनेगी, फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। ये देख सकते हैं अनुभव के किस प्रकार नंबर मिलने वाले हैं आपके, ये पूर्ण रूप से इसको चेक कर लीजिए। और इससे संबंधित कोई भी अन्य जानकारी आती है तो इसकी ऑफिशियल साइट पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसको जो ऑफिशियल साइट है उसको विजिट करती रहेगी। ये है इसका आवेदन पत्र, इसको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको पूर्ण रूप से फिलअप करना है और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं सभी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करके उनकी एक स्कैन कॉपी ले लीजिए और पीडीएफ बनाकर इसको सेंड कर दीजिएगा। तो इस प्रकार ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों, मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।